अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं गुफरान बिन याकूब कासमी। नाजरीन, इस दौर में तावीज़ के नाम पर लूट फातिहा करने वाले ढोंगियों की कमी नहीं। जिसको देखो वही जर्द रंग का कलम और सफ़ेद कागज़ पर दो चार निशानात इधर से उधर खींच कर आवाम को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अब तो इसकी बाकायदा दुकानें भी खुल गई हैं। जिस तरह डॉक्टरों के यहाँ दो चार कंपाउंडर होते हैं, इसी तरह अब नकली यानी जाली पीरों के यहाँ दो चार मुरीदीन अपना मुंह लटकाए बैठे रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं कि दो चार मुर्गे आए और फंस जाएं, और शाम को घर वापसी पर 1500 रुपया दिहाड़ी लेकर घर चले जाते हैं। इसी से मुतालिक अफगानिस्तान से बड़ी खबर मौसूल हो रही है। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में अमारत इस्लामिया का एक और अहसन कदम, मुल्क भर में साहिरों, जादू टोने, तावीज़, जाली पीरों और आमिलों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तर्जमान वजारत अम्र बिलमारूफ ने कहा कि तावीज़ शरई मसाला है, लेकिन अब इसे कारोबार बनाया गया है। आमिलों की वजह से घरों में बेइत्तिफाकी है, लोगों के घर उजड़ गए हैं, इसलिए इस पर पाबंदी आयद की जा रही है। नाजरीन, इससे मुतालिक आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर रोज़ हालात हाजरा पर मुख्तसर न्यूज़ के लिए कम वक्त में बड़ी खबर पाने के लिए हमारा चैनल गुफरान बिन याकूब कासमी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु।